Hello dear students, today we have moved in a new lecture and in this lecture we will cover some new topic with new ideas and new concepts. Hi everyone, my name is Eras. मेरा नाम एरास है और फिर से शुरू करते हैं एक और नए क्लासेस के साथ में. आपका जो नया टॉपिक है एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट इज द कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कि आखिरकार कौन है, हु इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दिस टाइप ऑफ द डिजीज, राइट. जैसे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ जी, एक बात बताओ मुझे, बीमारी हुआ किसी को भी, जैसे ये इन्फेक्टेड पर्सन है और ये हेल्दी पर्सन है, ठीक है, तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी गया, बट प्रश्न ये उठते हैं कि बीमारी कैसे चला गया, कौन लेके गया, कौन ढोके गया, ठीक है. तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिस्कशन करते हैं, राइट. तो कौन लेके जाएगा, तो फर्स्ट वन दैट इज द हाउस फ्लाई, दैट इज द हाउस फ्लाई एंड द सेकेंड वन दैट इज द मॉस्किटो. तो हाउस फ्लाई का हिंदी मीनिंग हुआ घरेलू मक्खी और मॉस्किटोस दैट मीन्स कि मच्छर, वो तो आप लोग जानते हैं, वो तो रोज का है हमारा, है कि नहीं. तो ये दोनों जो है वो कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है वो क्या करता है, तो वो लेकर जाता है, जाओ अपना काम करो, वो जो है वो लेकर के जाता है एक बीमारी को दूसरे जगह, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो है वो बीमारियों को फैलाने का काम जो है वो करता है हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज. समझ गया ना, ऑब्वियसली यस. तो इन द प्रीवियस क्लासेस में हमने ये बताया था कैरियर्स ऑफ डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, इसलिए मैं इतना रीड नहीं करूंगा, सीधे सीधे ये वन बाय वन करके एक्सप्लेनेशन देता हूँ, राइट. तो नो प्रॉब्लम, लेट अस टॉक अबाउट दिस इफ यू वॉन्ट्स, देन यू कैन राइट इट. बट लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने प्रीवियस लेक्चर में इसे लिख लिया है, ठीक है ना, इसलिए लिखना बंद करो और नेक्स्ट लेक्चर की मैं बातें करता हूँ. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज दैट दैट इज द रोल ऑफ हाउस फ्लाई इन स्प्रेडिंग डिजीजेस. डिजीजेस को यानी कि बीमारियों को बढ़ाने में किसका रोल है, तो हाउस फ्लाई का रोल है, यानी कि घरेलू मक्खियों का रोल है. तो किस प्रकार से घरेलू मक्खी जो है जी वो बीमारी को फैलाता है, तो इन्हीं सारी चीजों के बारे में बेसिकली हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. तो नो प्रॉब्लम, लेट अस सी. बट सबसे पहले कुछ जानते हैं कि सम ऑफ द डेंजरस डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई आर एज फॉलोज. यानी कि घरेलू मक्खी के द्वारा कुछ निम्नलिखित प्रकार के बीमारियां फैलाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, जो कि हार्मफुल है हमारे लिए, इवन कि हमारा जान भी जा सकते हैं, राइट. ऑब्वियसली यस. तो चलिए वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं. पहला हो गया कॉलरा, दूसरा हो गया ट्यूबरक्लोसिस, थर्ड वन इज द टाइफाइड, फोर्थ वन इज द सिरहिया, ठीक है, जिसे कैसे होता है डायरिया, उसी प्रकार से सिरहिया और एटसेट्रा, यानी कि और भी बीमारी हो सकता है. ये जो हमने बेसिकली जो फोर नेम्स यहाँ पे लिखा है वो किसके द्वारा होगा, तो हाउस फ्लाई के द्वारा फैलाया जाता है, ठीक है. कैसे, तो कहीं से भी हाउस फ्लाई जो है वो उड़ते हुए आएगा, आपके भोजन पे, फूड पे बैठेगा, पानी पे जाएगा, और फिर आप उसको ग्रहण कीजिएगा, आपको हो जाएगा. तो इस प्रकार से जो है वो चीजें होती है, राइट. तो समझ गया ना, कोई आपसे पूछता है कि कुछ डेंजरस डिजीजेस का नाम बताओ जो हाउस फ्लाई के द्वारा स्प्रेड किया जाते हैं, तो ये कुछ नाम है जो आप लोग बता दीजिएगा. ऑब्वियसली यस, बता दोगे ना, किसी को दिक्कत नहीं होगा, शिकायत सिकवा गुस्ताख ही यानी हो, आई एम जस्ट किडिंग. तो मुझे यकीन है कि आप जो है वो बता दीजिएगा, राइट. ऑब्वियसली यस. चलिए, या फिर ऐसे पूछे कि एग्जांपल्स ऑफ डेंजरस डिजीजेस विच आर स्प्रेडेड बाय द हाउस फ्लाई, स्प्रेड किया जाएगा यानी कि फैलाया जाएगा हाउस फ्लाई के द्वारा, तो कुछ डेंजरस डिजीजेस का नाम बताओ, तो क्या बोलिएगा. तो आप उससे इन्हीं सारे डिजीजेस का कुछ नाम बता देना, वो एग्जाम्पल्स भी हो जाएगा और नाम भी हो जाएगा. If he wants, then you can write it. आप चाहो और आप इसे लिख लो सर, फिगर भी, हाँ फिगर भी बना लीजिए, और ये एक छोटा सा मक्खी है इसका भी बना लेगा फिगर, और इधर से बना लीजिए, ठीक है. अब चर्चा करते हैं डिटेल में कि किस प्रकार से जो है वो हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी बीमारी फैलाती है, राइट, या फिर फैलाता है. और चलो देखते हैं लेटेस्ट. तो होता क्या है कि जैसे कि खाना रखा हुआ बिना ढका हुआ रखा हुआ है कि नहीं, घरों में ज्यादातर होता है कि बिना ढका हुआ खाना रख दिए, तो मक्खी जो है वो आया भिन भिन आते हुए, आया उड़ते हुए और उस पर बैठ गए, ठीक है. अब तुमको क्या पता कि वो जो मक्खी था वो पता नहीं कहाँ कहाँ से आया, कहीं लैट्रिन पर हो सकता हो बैठा हुआ हो, और वहीं से उड़ के आया तुम्हारे वो राइस पे, तुम्हारे भोजन पे बैठ गया, और तुमने नहीं देखा, मक्खी उड़ा के खा लिया,
तो बीमारी हो जाएगा, राइट। कहीं फीसेस पर वो मक्खी बैठा हुआ, या फिर आपने कहावत सुना होगा कि वैसे भी मक्खी की ज्यादा कहाँ, तो मक्खी देखे दाव, नहीं, दुश्मन देखे दाव, मक्खी देखे घाव, मक्खी देखे घाव और दुश्मन देखे दाव। हाँ ये सही है, तो कुछ इस प्रकार से कहावत था, राइट। तो वो जो कहावत थी, तो हो सकता है ये कहावत सच हो गया, यानी कि मक्खी जो है वो घाव पर किसी का बैठा हुआ था, घाव पर, और वहां से उड़ करके आया आपके भोजन पर बैठ गया और आपने फिर उसे खा लिया, तो तब तो फिर आपको भी बीमारी हो जाएगा ना। नहीं, ऑब्वियसली यस, हो जाएंगे आपको भी बीमारी। तो देख रहे हो कि हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी जो है वो किस प्रकार से बीमारियों को स्प्रेड करती है, इन्फेक्टेड एरिया से इन्फेक्ट हेल्दी पर्सन में लेकर जाती है वो बीमारी को, राइट। क्यों? क्योंकि वो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो तुम्हारे शरीर में एंट्री ले रहा है वो तो तुमको बीमार कर रही है, कहीं करेगा। तो इस प्रकार से घरेलू मक्खी बीमारियां फैलाती है। तो घरेलू मक्खियों से बच करके रहिए, और मक्खी ऐसा नहीं प्रयास रहे कि मक्खी बैठ गया तो भोजन नहीं ग्रहण करेंगे, या फिर जहां पे मक्खी बैठ गया वहां उस एरिया का भोजन चम्मच से हटा करके फेंक देंगे और फिर ग्रहण कर सकते हो। अगर नहीं फेंक सकते हो भोजन को, तो मैं एक सोल्यूशन दिया, उपाय बताया, क्योंकि बहुत सारे लोग गाँव देहात में रहते हैं ना, तो कितना मक्खी को फेंकते चलेंगे बात को, क्योंकि बैठ ही नहीं जाएगा आके गप से, है कि नहीं। देखो इस फिगर में भी वही समझाने का प्रयास किया कि कहीं से गार्बेज है, यानी कि गंदगी वगैरह है, गार्बेज ही एक्सक्रेटा है, दिस कंटेन्स माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया। ये जो फिगर देख रहे हो, फिगर है वो, हो सकता है ये गोबर पे बैठा हुआ, जहां पे बैठा हो वहां पे बैक्टीरिया वगैरह हो, और यहाँ से मक्खी जो है वो उड़ के, हाउस फ्लाई कैरिंग माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, हाउस फ्लाई जो है वो माइक्रोब्स लिए हुए बैक्टीरिया को लिए हुआ आया, ब्रेड पीस पे बैठ गया, मिल्क में चला गया, गिर गया, ऐसी कोई अनकवर्ड फूड था यानी कि ढका हुआ भोजन नहीं था, तो यही सब ना होगा, और फिर इसी को दूध ब्रेड बोर कर कदम पाव से खाया, फिर हो गया बीमारी तुमको। अब कहेगा घर वालों को ही परेशान करोगे, कहो कि इतना अच्छा हेल्दी भोजन देते हो लेकिन फिर भी हमको बीमारी हो जाता है, आखिरकार क्यों हो जाता है, इस तरीके का प्रश्न आप कीजिएगा। तो यही कुछ कारण है जिसके चलते जो है वो आपको बीमारी हो रहा था अनजाने में सही, लेकिन आपको पता नहीं चल रहा था, समझ गया। तो पता चला कि किस प्रकार से जो है वो बीमारियां फैलती है, राइट। तो मुझे यकीन है जी कि तुमने इतने सारे चीजों को क्या किया होगा, सीखा होगा और समझने का प्रयास किया होगा। तो करना क्या है, भोजन को ढक कर रखिए, मिल्क को ढक करके रखिए, क्या जरूरत है इसे खुला रख देने के लिए, नहीं खा रहे तो रख दीजिए। और एक मिस्टेक किया जाता है, उसके पे भी चर्चा कर लेता हूँ। होता यह है कि बहुत सारे प्रीशियस भोजन अगर देखने को मिले तो हम लोग बहुत सारा निकाल करके बैठ जाते हैं, राइट, और फिर कुछ खाते हैं, फिर कहते हैं मम्मी नहीं खाएंगे मम्मा, तो बोलती है कि ठीक है बेटा कोई दिक्कत नहीं, रख दो ले जाकर, तो किचन में रख देते हैं और उसको ढकते भी नहीं, ऐसे ही रख देते हैं, ज्यादातर लड़कन ऐसे ना करते हो मुझे पता है, तो ढके नहीं ऐसे रख दिए, और वो हो सकता है उस पर आके मक्खियां बैठी, हो सकता है उस पर मक्खियां, क्यों, कॉकरोच भी आ जाए, हो सकता है छिपकली चढ़ गया, हो सकता है तेलचट्टा आ जाए, वही वह कॉकरोच, हो सकता है मच्छर भी आ जाए, दुनिया भर के इंसेक्ट सब आ जाए, बैठ बैठ के बारी बारी टेस्ट करके चला जाए, और आप फिर लजीज भोजन था इसीलिए फिर से आप गए उसी को खाना, मामा मा, खाना चाहिए, कहा कि ठीक है छोड़ा था ना जाओ खाओगे, तो उसी को खाने लगा, फिर तुमको बीमारी हो जाएगा। इस प्रकार से बीमारियां जो है वो फैलती है, इसलिए भोजन को कवर करके रखिए, ढक करके रखिए, राइट। तो समझ गया, चलो इतने सारे चीजों को लिख ले अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में, चलो लिख लिया, मिटा दें, लिख लिया होगा, आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ तक किसी को दिक्कत है समझने में, नहीं ना, बहुत आसान था, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा जो बीमारियां होता है, जो फैलता है, उससे कैसे, किस प्रकार से, या फिर उससे कैसे हम लोग बचेंगे, इन्हीं सारी चीजों के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से सीखेंगे वन बाय वन करके। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई यानी कि घरेलू मक्खी जो है वो बीमारी को फैलाती है, तो उससे किस प्रकार से बच सकते हैं, क्या बचाव किया जा सकता है, तो वही चर्चा कर रहा हूँ मैं, समझ गया। लिखा हूँ कि फ्लावरिंग आर द प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई, यानी कि हाउस फ्लाई के द्वारा कुछ निम्नलिखित प्रिवेंशन है, हाउस फ्लाई के द्वारा जो बीमारियां फैलती है या फिर फैलता है उससे बचने के लिए टोटल 1, 2, 3, 4, 2, 6, 6 पॉइंट बताया गया है आपको, तो इस सभी पॉइंट्स को इम्पोर्टेंट है और इसको ख्याल रखेगा, ठीक है, ख्याल रखोगे ना, आई मीन टू से दैट कि याद रखोगे ना, चलिए वेरी गुड, वेरी नाइस।
तो वन बाय वन करके समझते हैं कि क्या बताने का प्रयास किया गया और क्या आपको समझाने का प्रयास किया गया है। सबसे पहला है कि वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हेयर एंड देयर। हमारे घरों से निकलने वाले कचरा, ठीक है, हमारे घरों से निकलने वाला जो कचरा है उसको यहाँ वहाँ नहीं रख देना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने केला के छिलका खाया, नहीं केला का छिलका नहीं खाते हैं, झूठ मत बोलिए सर, मैं मुझे पता है, केला खा लिए जी, केला फल खा लिए और उसका छिलका को उतार के इधर फेंक दिए, कहीं कहीं कोने में लगा दिए, तो ये सारा बैड हैबिट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि सभी चीज़ें जो तुम कर रहे हो, केले के छिलकों को यहाँ पाड़ दिया वहाँ पाड़ दिया, इस सबको थोड़ा सा दूर रखिए अपने घरों से, ठीक है ना। ये सब कचरा का ढेर के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो कचरे का जगह जो है वो कचड़ कचरेदान में ही होना चाहिए, कूड़ा का जगह कूड़ेदान में ही होना चाहिए, समझ गया ना। तो कूड़ा कचरा जो है वो आपके घरों में ना कहीं इकट्ठा हो, फालतू तो मटेरियल्स ना हो, ठीक है, उसको जब भी कचरा हो गया कूड़ा हो गया तो उसको बाहर फेंकिए, बाहर करके अपने घरों से दूर, और साफ सफाई में मक्खियाँ जो है वो नहीं आती है, इसलिए प्रॉपर उसका जो गार्बेज है कचरे में रखो। देखो नहीं, तुम्हारे मन में एक चीज चल रहा है, कचरे डिब्बा में रख सकते हैं क्या। एक और फैशन क्या चल चल गया घरों में वो देखने के लिए, वो भी बहुत बेकार है, कि किचन में कचरा का डिब्बा रख दिया, पैर दबाएगा ढक्कन फल ऐसे पल्ला उठेगा और उसी में डाल देगा, पैर हटाएगा ढक्कन पल्ला बंद हो गया, कहाँ सिस्टम है भाई। अरे सब तो तुम बीमारी के घर बना ही ले, उसमें सब स्मेल वगैरह सब आएंगे कि नहीं आएंगे, उससे भी तो मक्खियाँ अट्रैक्ट होगी, तो बैड हैबिट है ये। तो करना क्या है, करना यह है कि कचरा डिब्बा बाहर ही होना चाहिए, और भरने तक का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि सीधे जा करके फेंको वहां पे जहाँ पे कचरा का बेस्ट है, वहां पे जा करके फेंकिए, थ्रो आउट योर होम्स, उसको फेंक डालो अपने घरों से बाहर, राइट। तो इस प्रकार से चीजें कर सकते हो। नेक्स्ट लिखा हूँ कि वी मस्ट क्लीन आवर हाउस टाइम टू टाइम। अपने घरों को समय के अनुसार से और समय से समय उसको साफ सफाई कीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि चलो भाई हम तो बहुत बिजी आदमी हैं और हम लोग काम कर ही नहीं सकते हैं, इसीलिए टाइम बचाने के लिए आज झाड़ू मारेंगे तो अगला 2 महीने के बाद, अगला 64 दिन के बाद, अगला 32 दिन के बाद, अगला 24 दिन के बाद, अगला 36 दिन के बाद, इस प्रकार से जो है 32 24 36 करने के चक्कर में नहीं रहेगा, नहीं तो फिर पता ही है क्या होगा, अब घरेलू मक्खियाँ आएंगे, बीमारियाँ फैलाएंगे और चला जाएगा बीमारी फैला करके, राइट। तो इस सब चीज़ों का ख्याल रखो डियर, ठीक है, टाइम टू टाइम क्लीन होना चाहिए, राइट, घरों में झाड़ू लगनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो जो भी आपके पेरेंट्स हैं उनसे बोलिए, आप कभी कभी अपनों भी हाथ पैर चला लिया करो, झाड़ू लगा लिया करो, क्या दिक्कत है, मैं भी कभी कभी झाड़ू लगा लेता हूँ, है कि नहीं, तो मेरे से भी से भी सीखना चाहिए आप लोगों को, है कि नहीं, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि साफ सफाई करना बहुत ही जरूरी है, एक साफ सफाई से जो घरेलू मक्खी जो है वो नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वैसे इसका इन्वायरमेंट ही नहीं मिलेगा, तो वो आएगा कैसे, आएगा तो तब ना जब उसको वैसा माहौल मिलेगा, वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, यानी कि वैसा वातावरण मिलेगा, मिल ही नहीं रहा, नहीं आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट समझने का प्रयास करते हैं, द फूड शुड बी केप्ट इन ए कवर्ड कंटेनर। जब भी भोजन रखने का बारी आता है तो भोजन को क्या कीजिए, ढक करके ही रखिए, एक कंटेनर में ही रखिए भोजन को, राइट। अनकवर्ड फूड मत ऐसा कर किया करो, जैसे कि होता क्या है कि घर में पेरेंट्स जो हैं वो खाना बना लिए, ठीक है, खाना बना लिए और जल्दबाजी में है, तो ऐसे ही मतलब कि रख दिए खोल करके, कहेंगे कि बेटा भाप उड़ जाने दो, पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ जा करके, ठीक है, अभी दिखाओ। डियर पेरेंट्स, आपसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि 30 सेकंड तक कुछ बोलूंगा आपके लिए, वो ये है कि आप लोग जब खाना बनाते हो ना, तो चावल ही बना रहे हो चाहे कुछ ही बना रहे हो, तो चावल बन लिया, माड़ पसार लिया, उतार लिया, उतार करके ऐसे ऐसे हिला हिला लिया 2 बार, फिर भी कटौती हो चाहे तसला हो चाहे भगोना में, और फिर उसको उसको प्लेट को हटा करके रख दिए, क्यों, ताकि भात उड़ भाप जो है भाप, ठीक है, वेपर वो उड़ जाए ताकि भात गीला ना हो, ये सब का सिस्टम है, का तरीका है, कभी दिमाग लगा लिया कीजिए, वो उस पर हो सकता है कोई मक्खी वगैरह सब आगे बढ़ जाए, हो सकता है कोई बैक्टीरिया वायरस चल जाए, तो फिर आपको और आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाएगा ना, राइट। इसीलिए करना क्या है, करना यह है कि उसको ढक करके रखिए, अब भात गीला होगा उससे कौन जिम्मेदारी है सर, और उससे हमको क्या लेना देना है, कब को समझा कीजिए, उससे मुझे क्या, मैं तो बस आपको हेल्दी रहने के लिए सिखा रहा हूँ, बाकी आप समझिए, ठीक है। अब नाउ स्टूडेंट्स के लिए, अब स्टूडेंट्स के लिए है, अब जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है, आपके अब हो गया, अब आप चले जाइए, चलो।
अरे जाने के लिए बोले, अब जाइए बच्चों को अकेला छोड़िए, एकदम निगरानी में करके मार दीजिए क्या है? ये नहीं हो तो ठीक है भाई, मन जाइए बैठिए, हमें क्या। तो चौथा लिखा हूँ कि बी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम्स फ्रॉम द रोड साइडेड स्टॉल्स। देखो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग भूखे ही इधर से उधर चले गए, राइट। जैसे कि मॉर्निंग में सुबह 6:12 में ट्रेन पकड़ना है, तो यहाँ से 5:30 बजे से स्टेशन पर रहेंगे, तब कि पहले टिकट मिले, अब पहले हम चढ़ पाए और पहले हमको सीट मिल सके। इस प्रकार से चीजें होती है। आप खाना नहीं खाए, ठीक है, इसका नतीजा कि आप जब 12 बजे 10 बज गया तो आप मार्केट में है, कहीं बाहर चले गए तो भूख लगा, आप रोड में देखे कहाँ मिल रहा है तो कचौड़ी जलेबी ऐसा पूरियाँ वगैरह सब मिला आपको, आप वहीं खाने लगे। हो सकता है वहां से 12 चक्का टायर वाला गाड़ी गुजर रहा हो, है कि नहीं, नाला बह रहा हो, वहां से साइकिल जा रहा, बाइक आया मोरा मारा एकदम हाई से, ठीक है, सब धूल धूल गया धाई से, है कि नहीं। तो बीमारी के घर खा रहा है जी, राजा उसको कर रहा है पैसा दे करके, वो पैसा भी कमा रहा है। ये तई कौन तरीका हुआ, पैसा भी दिया बीमारी भी लिए, अब पेट भरा कि नहीं भरा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा, मैं चर्चा कर रहा हूँ कि ऐसा मत भोजन करो, ठीक है, कि बगल में चौराहा के बगल में कहीं ठेला लगा हुआ है चाउमीन का चाट का, ठीक है, तो वो खा लिया, वो ले लिए, ऐसा नहीं करना है, समझ गया ना, ऐसा बिल्कुल करने से मना कर रहा हूं मैं, राइट। तभी तो हेल्दी रह पाओगे, तभी तो स्वस्थ रह पाएगा। स्वस्थ रहना चाहते हो ना तो फिर मेरी बातों को फॉलो किया करो, राइट। तुम स्वस्थ रहो, हेल्दी रहो, ठीक है, तंदुरुस्त रहो, ताकि आप सोचो भी तो हेल्दी चीजों को के बारे में, और एकदम तगड़ा तरीके से आपका दिमाग चल पाए, एकदम हेल्दी तरीके से, मजबूत तरीके से दिमाग चल पाए फास्ट औरों के मुकाबले, राइट। तो हेल्दी रहोगे तो फिर कोई बीमारी आपको होगा नहीं। उसके लिए रोड साइडेड फूड को अवॉइड करना है, ठीक है, जंक फूड को भी वैसे भी नहीं खाना चाहिए। तो एक चीज और बताता हूँ, कोई लड़का नहीं मानेगा ये, ठीक है, कोई बच्चे नहीं मानेंगे कि नहीं भाई हमको तो खाना, हमको तो शौक है, तो ठीक है, उसके लिए बता देता हूँ। देखो ठेला पर जो रहता है ना, तो शीशा लगा हुआ रहता है, ठीक है, तो जिसके ठेले पर शीशा हुआ लगा हुआ रहेगा, जैसे गोलगप्पा पानी पूरी होता था, क्या होता है, शीशा लगा रहता है, शीशा के अंदर से पानी पूरी निकाल करके देता है, फिर क्यों ऐसा कर रहा है मुझे बेवकूफों की तरह, अरे बैठो शांति से, लेट आया तो उसको उधर ही रहने दो। यानी हाँ, तो हम आपसे ये बता रहे हैं कि बैठो, मूड ना खराब करो, ना तो फिर समझ लो ना, नतीजा अच्छा ना होगा। तो आपसे ये बता रहा हूँ कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, अनकवर्ड फूड को नहीं करना। हाँ, तो ये बता रहा था शीशा में रहता है, तो शीशे वाला में पैक रहता है, तो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बचाव है धूल कण से, तो उसको खा सकते हो, अगर नहीं रहा जाएगा तो। हम तो कहेंगे मैं तो मना ही करूँ, क्योंकि मैं भी नहीं खाता हूँ, ठीक है ना, घर वाला खाऊ बढ़िया रहा, तो क्यों, क्योंकि वो अनकवर्ड रहता है ना, राइट। ऐसे चाट बेचना है, बेच रहा चौराहा पर, चाट को कैसे ढक करके बेचेगा जी, है कि नहीं, चाट तो पूरा खोला करके रखेगा, और सब धूल उसी में गया, सब टायर वाला उसी में गया, लो लो भाई खा लो, और पसीना चला, बड़का गर्मी अपन को ढोलता है लगता है, अरे में झाड़ दिया, ले लो खा लो खा लो खा लो, और मार देगा गुस्सा से, लो लो 5 रुपये कम कर ले, बोला था लो लो 5 रुपये कम करके बदले, सब खिला दिया तुम्हें, और बीमारी लो भाई, पैसा भी दो बीमार ही पड़ जाओ, ये सब सही चीज नहीं है, तो इसका कोई ख्याल रखा करो, है कि नहीं। देखिए नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट में बताऊं कि द हाउस फ्लाई और फ्लाइज शुड बी किल्ड बाय यूजिंग इंसेक्टिसाइड स्प्रे। इंसेक्टिसाइड स्प्रे, हाउस फ्लाई को मारा जा सकता है इंसेक्टिसाइड स्प्रे को छिड़क करके, ठीक है, फैला करके अपने घरों में, वो आता है लोकल मार्केट में, स्टेशनरी के पास में मिल जाएगा, किराना शॉप कहीं होगा तो, राइट, तो वहां से खरीदिए। इंसेक्टिसाइड्स क्या होता है, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, वेरी गुड। तो इंसेक्टिसाइड, दोज केमिकल्स दैट किल इंसेक्ट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्ट को मारने वाला कोई केमिकल को इंसेक्टिसाइड बोलते हैं, समझ गया। कोई पूछे इंसेक्टिसाइड क्या होता है तो बता दीजिएगा ना, ऑब्वियसली यस, आप बता सकते हो, वेरी गुड वेरी नाइस। तो वो मिल जाएगा आपको मार्केट में, पता कीजिएगा कहीं मिल जाएगा, तो उसको छिड़काव कीजिए, उसका सुगंध से, उसका स्मेल से, उसके केमिकल से, जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं वो नहीं आएंगे, आए और रहेगा भी तो मर जाएगा वो, ठीक है। नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट में लिखा हूँ कि सम ऑफ द डिजीजेस
are spread by horse fly can be prevented by vaccination. कुछ कुछ बीमारी जो है वो किसके द्वारा होता है, तो हाउस फ्लाई के द्वारा होता है, उसको वैक्सीन लीजिए, ठीक है। सुई वगैरह ये सब सरकारी अस्पतालों में सब होते रहता है, तो पता कीजिए, तो उससे बचा जा सकता है वैक्सीन का इस्तेमाल करके, राइट। तो यहाँ तक समझ गया। तो इफ यू वॉन्ट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। अच्छा लिख लिया, मिटा दें, वेरी गुड वेरी नाइस। तो यहां तक किसी को समस्या हो रहा है समझने में, कष्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम्स किसी प्रकार का नहीं हो रहा है, वेरी गुड वेरी नाइस, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज द रोल ऑफ मॉस्क्यूटोस इन स्प्रेडिंग डिजीजेस। यानी कि अब मॉस्क्यूटोस का क्या रोल है, मॉस्क्यूटोस का क्या योगदान है डिजीज को, बीमारी को फैलाने में मॉस्क्यूटो का क्या हाथ है, यही टॉपिक और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और सीखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आइए चलिए सीखते हैं। तो बता रहा हूँ जी, अरे नहीं जी काटे नहीं है उसको, बता रहा हूँ कि द मोस्ट कॉमन डिजीजेस स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज मलेरिया। यानी कि मॉस्किटोज के द्वारा सबसे प्रसिद्ध बीमारी जो फैलाया जाता है वो क्या है, तो मलेरिया। यानी कि मलेरिया हुआ है तो वो मॉस्किटोज के द्वारा ही ज्यादातर मलेरिया होता है, राइट। इसीलिए लिख दिया गया है द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज इज मलेरिया, यानी कि सबसे ज्यादा मलेरिया ही फैलता है, तो इसीलिए कॉमन डिजीज। तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ सकता है, कंपटीशन में भी पूछ सकता है, आपके स्कूल एग्जाम में भी पूछ सकता है ये, ठीक है। पूछेगा ये कि द मोस्ट कॉमन डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्किटोज आर, ए में मलेरिया, बी में कुछ और था, इस प्रकार से तो मलेरिया रहेगा तो मलेरिया मारिएगा, ठीक है। डेंगू, तो डेंगू भी नहीं, मलेरिया इज द फर्स्ट प्रायोरिटी, इसीलिए कंफ्यूजन दूर हो गया ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज विच कैरीज द पारासाइट ऑफ मलेरिया। ये पारासाइट ऑफ मलेरिया यानी कि मलेरिया जिस पारासाइट से होता है, ठीक है, उसको कौन ढोता है, तो फीमेल एनाफिलिस नाम है मॉस्किटोज का, मच्छर है, यही जो है वो रखे हुए रहता है, और ये जब आ करके काटती है, किसी को बाइट करती है, तो सारा का सारा जो पारासाइट था मलेरिया का, जो भी कीटाणु वगैरह सब थे, वो सब के सब ब्लड में चला गया, और फिर फाइनली उसको बीमारी हो जाता है, यानी कि मलेरिया हो जाता है, राइट। नेक्स्ट लिखा हूं कि द मलेरियन पारासाइट कॉल्ड प्लाज्मोडियम कॉज मलेरिया डिजीज, और कौन सा पारासाइट, तो मलेरियन पारासाइट, तो कौन सा मलेरियल पारासाइट है, उसका नाम क्या है, तो प्लाज्मोडियम, ठीक है। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पारासाइट, ठीक है, प्लाज्मोडियम, समझ गया ना, जो किसके पास होता है, तो फीमेल एनाफिलिस मस्किटोस के पास ये होती है, ये होता है ये चीज, राइट। अगर है इसके पास, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसके पास है और ये आकर के फीमेल एनाफिलिस नाम के मस्किटोस आकर हमको काटी, बाइट की, ठीक है। मच्छर बाइट क्यों करता है, बाइट इसलिए करता है क्योंकि ताकि वो ब्लड को सक कर सके, अब ब्लड के थ्रू इसका सलाइवा वगैरह सब गया, तो हमारे अंदर मलेरियल पारासाइट आ गया, यानी कि प्लाज्मोडियम आ गया, और प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया हो जाएगा, मलेरिया नाम का बीमारी, ठीक है। तो समझ रहे हो किस प्रकार से हमको मलेरिया होगा, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज के कारण, यानी कि मॉस्किटोज के चलते, राइट। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट है मलेरियल पारासाइट इज ए प्रोटोजोन कॉल्ड प्लाज्मोडियम। अब ये मलेरियल पारासाइट क्या है, तो मलेरियल पारासाइट जो है वो प्रोटोजोअन है, यानी कि एक प्रोटोजोअन ग्रुप से बिलोंग करने वाला चीज है, जिसको हमने प्लाज्मोडियम कहा, उसका क्या नाम है, कॉल्ड प्लाज्मोडियम। मलेरिया पारासाइट क्या है, प्रोटोजोअन है, और जिसको क्या कॉल्ड कहते हैं, यानी कि वो प्लाज्मोडियम है, यानी कि मलेरियल पारासाइट का नाम बताओ तो प्लाज्मोडियम है, और मलेरियल पारासाइट क्या है, तो प्रोटोजोआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, समझिए, अब प्रोटोजोआ में भी क्या है, तो प्लाज्मोडियम है, समझ गया ना। चलिए वेरी गुड वेरी नाइस। तो इफ यू वॉन्ट यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो। चलिए लिख लिया होगा, अब इतने सारे चीजों को लिख लिया ना, आगे बढ़ सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत है, नहीं हो रहा समस्या, चलो वेरी गुड वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि आपको समझने में किसी प्रकार का कोई तकलीफ कोई शिकायत नहीं है, वेरी गुड। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट जैसे कि तुम फिगर से भी समझ सकते हो, ये एक मॉस्किटोस का फिगर हमने यहाँ पे पेस्ट किए रखा है, कर रखा है आप लोगों के लिए, तो आप देख सकते हो मॉस्किटोस को, ठीक है, राइट।
चलो मस्क्यूटोस है, ये मच्छर है कुछ उस प्रकार से दिखता है। ये फीमेल एनाफिलिस मस्क्यूटो सैकिंग ब्लड फ्रॉम ए पर्सन्स आर्म। ये फीमेल एनाफिलिस नाम का ये जो मस्क्यूटोस तुम देख रहे हो, ये जो मच्छर है वो क्या कर रही है कि ये ब्लड को सक कर रही है, कोई पर्सन है कोई व्यक्ति है उसके हाथों से ब्लड को सक कर रही है, देख सकते हो ठीक है, ब्लड को सक कर रही है राइट। या फिर ये हो जाएगा, आई थिंक ये है ये राइट। ये ठीक है, तो मॉस्किटो जो है वो ब्लड को सक कर रही है। अब कोई लड़का सोचा कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज का नाम ही क्यों सर, क्या मेल नहीं काटता? नहीं, मेल जो है वो हमें ब्लड चूसता नहीं है, मेल जो है वो ब्लड से पेट नहीं भरता है, वो फूलों का रस पी करके मेल लोग ही रहता है ठीक है। ये खून चूसने वाला काम जो है वैसे भी फीमेल महिलाओं लोगों का ही काम है, इसलिए यहाँ पे भी मच्छर के रूप में भी महिलाएं ही करके यहाँ पर तत्पर है, इसीलिए बी केयरफुल फ्रॉम द वुमेन्स, महिलाओं से सावधान रहिए और उनका रिस्पेक्ट सम्मान कीजिए राइट, इसीलिए दूर रहो सम्मान करने के लिए। चलो लिख लिया मिटा दे, इसको नहीं बनाना है जी, इसको सिर्फ ऐसे ही देख लो, फिगर दिखाने के लिए था, फिगर से समझाने के लिए कि जैसे ही ये मच्छर खून पीने के लिए ये ब्लड को सक करेगा फिर जो है वो फिर क्या प्लाज्मोडियम ब्लड में एंट्री लेगा, फिर मलेरिया हो जाएगा हम लोगों को, तो मलेरिया जो है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है राइट। चलिए देख लीजिए इसे, चलो आगे बढ़ सकते हैं ऑफकोर्स। चलो जी नेक्स्ट है, दैट इज द नेक्स्ट कुछ लिखा हूं कि फ्लोविंग आर द बेज बाई विच फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज स्प्रेड मलेरियल डिजीज। मलेरिया नाम के बीमारी जो है वो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज ने फैलाया ठीक है, तो प्रश्न उठता है कि कैसे फैलाया राइट। तो इन्हीं सारे कुछ चीजों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे कि कैसे फैलाया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज किसी भी व्यक्ति में बीमारी ठीक है। तो चलिए वन बाई वन करके समझते हैं। सबसे पहला लिखा हूं कि व्हेन ए फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बाइट्स ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, इट सक्स ब्लड ऑफ दैट पर्सन विच कंटेन्स मलेरियल माइक्रोब्स राइट। मैं लिखा हूं कि अगर फीमेल एनाफिलिस नाम के मॉस्किटो जो है वो किसी पर्सन को बाइट किया ठीक है, और ऐसा पर्सन को उसने बाइट किया यानी कि काटा जो पहले से मलेरिया उसको हो गया था, अब मलेरियल माइक्रोब्स उसके अंदर थे, प्लाज्मोडियम था, अब जैसे ही इसको चूस लिया खून को अंदर ले लिया तो प्लाज्मोडियम भी उसके अंदर नहीं, ये फीमेल एनाफिलिस मस्कुटोस को कुछ भी नहीं होता है ये प्लाज्मोडियम से, लेकिन हमें मलेरिया हो जाएगा, फीमेल एनाफिलिस मस्कुटोस को कुछ भी नहीं होगा राइट। तो जैसे ही ब्लड को चूसा और ठीक है पेट भरने के लिए, तो वो प्लाज्मोडियम भी इसके अंदर आ गया राइट। अब ये जो प्लाज्मोडियम है जो जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस के अंदर में आ गया, अब ये मॉस्किटोस वापस से किसी एक हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी तो ब्लड को सक करने के लिए राइट, तो जो उसके मुंह में सलाइवा था और प्लाज्मोडियम भी थे वो ही सब के सब चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा हेल्दी पर्सन में जिसने बाइट किया है राइट। तो चला गया प्लाज्मोडियम तो फिर मलेरिया इसको भी हो जाएगा हेल्दी पर्सन को। तो समझ पा रहा है चीजों को किस किस प्रकार से जो है वो बीमारी फैलाती है फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो राइट, तो इस प्रकार से बीमारी होता है। दूसरा लिख रहा हूँ कि कैसे फैलाती है, तो लिखा हूँ कि व्हेन दिस इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटोस बाइट्स ए हेल्दी पर्सन। अब देखो इस पॉइंट को एक बार फिर से, मैं तो पूरा बता दिया हूँ अब वन बाय वन करके फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। व्हेन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोस बाइट्स ए पर्सन, जब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जो है वो कोई व्यक्ति को पर्सन को बाइट कर काटती है सफरिंग वैसा पर्सन को जो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज, जिसको मलेरिया हो गया है, इट सक्स द ब्लड, तो वो क्या करती है ब्लड को सक कर लेती है चूसती है ऑफ दैट पर्सन और उसी पर्सन में से ब्लड को निकाल लेती है, विच कंटेन्स द मलेरियल पारासाइट माइक्रोम्स, जो मलेरिया का मलेरियल पारासाइट जो है वो उसके पास था राइट, माइक्रोब्स थे। दूसरा है कि व्हेन दिस इन्फेक्टेड एनाफिलिस मॉस्किटोज बाइट्स ए हेल्दी पर्सन, जब ये इन्फेक्टेड इन्फेक्ट हो गई कि नहीं हो गई
एनाफिलिस मॉस्किटोस इन्फेक्ट हो गए, इसको कुछ होता नहीं है लेकिन इन्फेक्टेड तो है ना माइक्रोब से। अब ये काटेगी वापस से किसी दूसरे को, ठीक है, इन ऑर्डर टू किस लिए, किस लिए, इन ऑर्डर टू सक देयर ब्लड, उसके ब्लड को चूसने के लिए। देन दिस मॉस्किटो ट्रांसफर्स द मलेरियल पैरासाइट इन टू ब्लड। तब ये जो मॉस्किटोज है ना, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटोज है, वो उस पर्सन के ब्लड में वो मलेरियल पैरासाइट यानी कि प्लाज्मोडियम को डाल देगी, राइट, ठीक है ना, डाल देगी। फिर क्या हुआ कि आफ्टर, तीसरा पॉइंट है कि आफ्टर रिसीविंग मलेरियल पैरासाइट, और मलेरियल पैरासाइट उस हेल्दी पर्सन में चला गया, तो उस हेल्दी पर्सन ने मलेरियल पैरासाइट को रिसीव किया, और रिसीव करने के बाद द हेल्दी पर्सन आल्सो गेट इन्फेक्टेड विथ मलेरिया डिजीज, और हेल्दी पर्सन भी जो है वो इस प्रकार से मलेरिया का पैरासाइट यानी कि मलेरिया, उसको मलेरिया नाम का बीमारी जो है वो उस हेल्दी पर्सन को हो जाएंगे, राइट। तो समझ गया ना, आई होप डियर कि आप इतनी सारी चीजों को सीख रहे हो और समझने का प्रयास करो। तो अभी अभी हमने क्या देखा, अभी अभी हमने तुझे ये बतलाया कि किस प्रकार से जो मॉस्किटोज है वो एक हेल्दी पर्सन से एक हेल्दी पर्सन को बीमारी कर देती है, यानी कि हेल्दी पर्सन को बीमार कर देती है। अभी अभी सीखा कि जो मॉस्किटोज है यानी कि मच्छर है, वो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बीमारी जो है वो फैल रहा है, राइट, और किस प्रकार से फायदा, यही हमने सीखा है, राइट। तो आई होप कि तुमने इतने सारी चीजों को समझा हो और सीखने का प्रयास करो। सो इफ यू वॉन्ट्स देन यू कैन राइट इट, आप चाहो और आप इसे लिख लो, जाओ 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 ओपन कर दो, ठीक है, आप चाहो और आप इसे लिख लो, ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अब देखो नोट में जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने लिखाया है जो नोट में है, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करो, आप इतने सारे सभी चीजों को आप लिख लीजिएगा, राइट। लिखा हूँ जी कि अनदर डिजीजेस स्प्रेड बाई मॉस्किटोज इज डेंगू। मॉस्किटोज के द्वारा सिर्फ मलेरिया ही नहीं बल्कि और भी डिजीजेस स्प्रेड किया जाता है, बीमारी फैला जाता है, जैसे मैं डेंगू, डेंगू जो है वो एक प्रचलित प्रसिद्ध नाम बीमारी है जो किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो मॉस्किटोज के द्वारा फैलाया जाता है, राइट। नेक्स्ट है कि डेंगू इज कॉज्ड बाई वायरस, डेंगू जो है वो किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण फैलता है डेंगू, समझिए। तो ये सब के सब जो है नोट में वो इंपॉर्टेंट है और हमेशा के लिए याद रखना, बड़े बड़े कंपटीशन में भी पूछे जा सकते हैं कि डेंगू इज कॉज्ड बाई तो वायरस, ठीक है, डेंगू वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट बता रहा हूँ कि द फीमेल एडिस मॉस्किटोज एक्ट्स एज ए कैरियर ऑफ डेंगू वायरस एंड स्प्रेड द डेंगू डिजीजेस। जो यहाँ पे फीमेल एनाफिलिस जो था वो मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल था, लेकिन यहाँ पे फीमेल एडिस मॉस्किटोस नाम है, यहाँ पे फीमेल एडिस मॉस्किटोस, हाँ फीमेल भी लगा करके बोलना पड़ेगा, फीमेल एडिस मॉस्किटोस जो है वो डेंगू को फैलाती है इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, राइट। मॉस्किटोस एक्ट्स एज कैरियर, कैरियर ऑफ डेंगू, कैरियर ऑफ डेंगू कौन है, तो फीमेल एडिस मॉस्किटोस। यहाँ पे दो तीन तरह का प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकते हैं, डेंगू वायरस को कौन ढोती है, तो फीमेल एडिस मॉस्किटोस ढोती है, राइट, और इसी के चलते जो है वो डेंगू हो जाता है, इसीलिए तो ये मॉस्किटो थोड़ा सा बड़ा दिखता है नॉर्मल मॉस्किटो से, नॉर्मल मच्छर से, राइट। चलिए इफ यू वॉन्ट्स देने को ना, आप चाहो और आप इसे लिख लो, चलो लिख लिया, मिटा दें, चलिए वेरी गुड वेरी नाइस। मुझे यकीन है कि आपने इतने सारे चीज़ों को और इतने सभी चीज़ों को अपने नोट किया। देखते हैं कुछ और है क्या, नहीं अब नहीं है, अब इसके बाद नया टॉपिक आता है, नहीं हाँ तो ठीक है, इस लेक्चर में मैं यहीं तक लेके आपको छोड़ देता हूँ, फिर से मुलाकात होगा और फिर से बहुत सारे चीज़ों को मैं आपसे आपके साथ शेयर करूंगा, बट तब तक के लिए बस मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे हंसते हुए रहिए, मुस्कुराते हुए रहिए। सो लव यू ऑल, सी यू सून। मैं बहुत सारी बातें तो करते रहता हूँ, है कि नहीं, आपसे भी और भी लोगों से, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे ही आप मेरे से जुड़े रहिए, बने हुए रहिए और बहुत सारी बातें करते हुए रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखा करो, ठीक है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आना, सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास, एंड फॉर दैट मोमेंट यू शुड मस्ट बेस्ट, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, बेस्ट ऑफ लक।